मैं हूँ अभी जायका चाइनीज सेंटर के रेस्टोरेंट के किचन में और शेफ आलम है हमारे साथ। और आज शेफ हमारे साथ शेयर कर रहे हैं चिकन क्लियर सूप की रेसिपी कि रेस्टोरेंट में चिकन क्लियर सूप कैसे बनता है, आज शेफ हमें बताएंगे। तो सबसे पहले आप सूप के लिए कोई भी एक गहरी कढ़ाई ले लीजिए और उसको अच्छे से हीट करने के बाद और इसमें सिसमी ऑयल जो होता है वो डाल देंगे हम। और तेल गर्म होने के बाद नॉर्मल वाटर जो होता है वो डाल देंगे। हमने पानी ले लिए, लगभग आधा लीटर पानी है। अभी हम इसमें येलो जुगनी और ग्रीन जुगनी, पोकचे, चाइनीज़ कैबेज और ब्रोकोली, ये भाजी जो है ये डाल देंगे। फ्लेम हाई रखना है आपको। और अब इसमें हम चिकन के पीसेस है कट किए हुए कच्चे, वो डाल देंगे। इसमें फ्लेम हाई करके आपको मिक्स करते रहना है तो अच्छे से बॉईल आ जाए। और उसके बाद अब हम इसमें टेस्टिंग पाउडर जो होता है वो डाल देंगे और नमक डाल देना इसमें और वाइट पेपर पाउडर डाल देंगे। इसे आपको हाई फ्लेम पे बॉईल करना है अच्छे से। अभी इसमें स्प्रिंग अनियन डाल देंगे हम और इसमें अभी हम थोड़ा सा सिंगापुर ऑयल जो होता है वो डाल देंगे। ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। तो ये हमारा चिकन क्लियर सूप जो है वो रेडी हो गया है। आपको अगर मुंबई से हो तो आप जायका चाइनीज सेंटर में आके इसे टेस्ट भी कर सकते हो, या फिर अगर आप मुंबई से नहीं हो तो आप इसे घर पे बनाइए और कमेंट्स में बताइए कि आपका चिकन क्लियर सूप कैसा बना। और भी ऐसी रेस्टोरेंट रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।